नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नगरपालिका और जनता के सहयोग से देवबंद क्षेत्र में लगभग 100 पौधे लगाए गए, जिसका शुभारंभ राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह द्वारा किया गया। राज्य मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में प्रदेश में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का अभियान चलाया गया है। असंख्य पेड़ पूरे प्रदेश के अंदर आज लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम सब भाजपा कार्यकर्ता का यह सौभाग्य है कि आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अवतरण दिवस भी है। उनके नाम से सभी कार्यकर्ता में उत्साह है। जिन वृक्षों का वृक्षारोपण किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया है कि वृक्षों को ट्रीगार्ड उनकी स्वयं देखभाल करके और उन वृक्षों का संचय करने का काम भी हमारे कार्यकर्ता करेंगे। पूरे प्रदेश में आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रदेश के वन विभाग द्वारा एक बृहद वृक्षारोपण का अभियान आज लिया गया है। असंख्य पेड़ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज लगाए जा रहे हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आज यह भी परम सौभाग्य है कि आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अवतरण दिवस भी है। हम उनके नाम से भी आज हमारे सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जिन वृक्षों का वृक्षारोपण आज कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि उन वृक्षों को ट्री गार्ड लगा करके, उनकी अब स्वयं से देखभाल करके उन वृक्षों को संचय करने का काम भी हमारे कार्यकर्ता करेंगे। मैं देवबंद विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आज अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और समस्त प्रदेशवासियों को पर्यावरण दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।